ये उसी चैप्टर का है। हमने आपको बताया था कुछ, आपको शायद याद हो कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो संरचना होती है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक में होते हैं और आपके इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारे कण है, ये आपके परमाणु के क्या है, ये कण है, पार्टिकल्स है। तो इनके अलावा भी और पार्टिकल्स होते हैं, हमने बताया था प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी और पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, मेस्ट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रिनो कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो उनकी खोजकर्ता लिखना है, सन लिखना है, द्रव्यमान कितना होता है, आवेश कितना होता है, उनकी क्वालिटी क्या होती है, ये लिखना है। तो चलिए हम लिख रहे हैं, आप भी अपने कॉपी पे नोट करते जाइए। खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पे दो चीज लिखेंगे, खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, स्टीन, और नाम दिया था रदरफोर्ड ने। सन 1942। द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा भाई, सेम नहीं होता है कि सेम होता है, हाँ 1.6, वो तो कूलाम हो जाएगा फिर ना, -27 कूलाम होता है कि आवेश, आवेश दोनों में एक होते हैं और द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो 1.673×10^-27 केजी, ठीक है, आवेश दोनों में सेम होते हैं, बस ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। और इसकी विशेषता यही है कि ये कैसा है, धन आवेशित होता है। फिर आता है आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा, सन 1932 में चैडविक ने की, 1932 में। द्रव्यमान होता है कितना होता है, किसके बराबर होता है बताइए, प्रोटॉन के बराबर कि न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर कि आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर, अरे दोनों को मिला देंगे तब तो न्यूट्रॉन बहुत भारी हो जाएगा ना, तो बताइए किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, इसी के इक्वल होता है, ठीक है। और आवेश होता है कि नहीं होता, नहीं होता, उदासीन होता है ये, है ना, मतलब कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये, यह उदासीन होता है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है। चौथा है आपका पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, कहाँ पर, 1.6×10^-19। अच्छा न्यूट्रॉन में उदासीन, न्यूट्रल कुछ भी नहीं है चार्ज, है ना, न्यूट्रल होता है ये। सन 1930 होता है कि 32, रुकिएगा, 1942 है इसमें, प्रोटॉन का 1896 है, 1919 है, सॉरी, और इसका क्या था, ये सही है, 1942 ये है, 32 नहीं। और द्रव्यमान इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है केजी, और ये भी आपका सेम टू सेम ही आपके इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पूरा लिख देंगे। और विशेषता यह है, एंटी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, एंटी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और यह अस्थाई कण है, कैसा कण है, अस्थाई, परमानेंट नहीं होता, ये अस्थाई कण है।
ठीक है, याद रखिए कैसा कर्ण है, पॉजिट्रॉन हमारा अस्थाई, इसके नीचे जो भी आएंगे वो सब अस्थाई है। फिर है आपका मेसॉन, मेसॉन, मेसॉन की खोज किसने की, युकावा ने की थी, हाँ हो गया, युकावा ही लिख लीजिए। और इसका जो है सन 1935 और इसमें जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 270 गुना होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का इसका द्रव्यमान 270 गुना, आवेश इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा यह अस्थाई कण है, विशेषता है यह अस्थाई कण है। फिर है आपका मेसॉन के बाद क्या होगा, न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो की खोज पाउली, शायद ये 1930 है पाउली का 1930। ना तो इसमें चार्ज होता है और ना ही इसमें द्रव्यमान, इसका कुछ भी पता नहीं है, अभी होता है कि नहीं होता ये पता अभी तक नहीं चला है, ठीक है, तो इसको ब्लैंक कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, और यहाँ पे लिख लीजिए यह अस्थाई कण है, ना तो इसके अभी चार्ज का पता चला है और ना ही इसके द्रव्यमान का पता चला, तो इनको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर है लास्ट आपका एंटी न्यूट्रोनो, एंटी न्यूट्रोनो की खोज फर्मी, एंटी न्यूट्रोनो की खोज की थी फर्मी ने, और फर्मी ने की थी याद रखेंगे 1934 में, और ये भी आवेश और द्रव्यमान रहित होता है, आवेश तथा द्रव्यमान रहित, मतलब ना ही द्रव्यमान होता है एंटी न्यूट्रोनो में और ना ही आवेश होता है, और ये भी कैसा कण है, अस्थाई कण है। अच्छा लिख लीजिए, तो याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, खोज किसने की थी, सन तो नहीं आता है ना, सन नहीं आता है तो इतना जरूरी नहीं है सन आपको याद करना, लेकिन हाँ इसका द्रव्यमान और आवेश जरूर आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमको तीन चीजें तो बहुत याद करनी है, खोजकर्ता, द्रव्यमान और आवेश, ठीक है, वैसे नीचे के तो दो है ही नहीं, आवेश रहित और आपके द्रव्यमान रहित है न्यूट्रोनो और एंटी न्यूट्रोनो। मेसॉन की खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का ये जो द्रव्यमान होता है इसका इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है 270, लेकिन इसमें आवेश नहीं होता। पॉजिट्रॉन ये हमारे सेम इलेक्ट्रॉन की तरह होता है इसलिए इसे हम एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसकी खोज एंडरसन ने की थी, द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इसमें द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है तथा इसमें कोई भी आवेश न्यूट्रॉन में नहीं होता है। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन और नाम दिया था रदरफोर्ड ने, इसमें जो द्रव्यमान होता है 1.673×10^-27 किलोग्राम और आवेश आपका इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, लेकिन वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जो है जे.जे. थॉमसन है 1897 में खोज की, द्रव्यमान होता है 9.1×10^-31 किलोग्राम और आवेश है आपका निगेटिव में 1.6×10^-19 किलो कूलम, सॉरी 19 कूलम। हो गया सबका, जल्दी जल्दी लिखो, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है ना, टाइम हो जाता है जल्दी से। हो गया सबका, बताया जाए, चलो कहाँ पे, किसमें, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, क्या हुआ,
विशेषताओं में आवेश तथा द्रव्यमान रहित, मतलब दोनों ही नहीं होंगे, और कैसा होगा ये कण? अस्थाई, परमानेंट नहीं होता है आपके परमाणु में, ठीक है। आप हेडिंग कर लीजिए, टॉपिक आता है हमारा तत्वनात्रण, तत्वों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही कहलाता है तत्वनात्रण, ट्रांसम्यूटेशन। हेडिंग कर लीजिए, फिर समझाते हैं। समझाया जाए, चलिए। तत्वनांतरण होता क्या है, इसके बारे में सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने बताया था, सॉडी एंड फिजॉन, ठीक है। सॉडी और फिजॉन ने बताया था, इन्होंने ये कहा कि जो हमारे तत्व होते हैं, हमने कल आपको समझाया था कि जो हमारे 82 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जितने भी तत्व हैं, वो किरणों का उत्सर्जन करते हैं, है ना, अल्फा बीटा और गामा। हमने कल बताया था ना आपको कि 82 से अधिक जितने भी परमाणु क्रमांक वाले हमारे आपके तत्व होते हैं, वो अपने अपने से क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। और अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करने के कारण इन्हें हम कौन सा तत्व कहते हैं, रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो लगातार अगर किरणों को उत्सर्जन करते रहेंगे तो वो स्थायी नहीं हो पाएंगे। अस्थायी होने के कारण ही तो ये क्या कर रहे हैं, है ना, हमने बताया था ना कि आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इनका रेशियो जब 1:1 होता है तो तत्व क्या होता है, स्थायी होता है। लेकिन अगर हमारा न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की अपेक्षा बढ़ जाए तो तत्व क्या हो जाता है, अस्थायी। तो जितने भी अस्थायी कण होते हैं, वो अपने से अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। क्यों उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि उनको उत्सर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको स्थायी होना है, है ना। तो यही जो क्रिया है इनका, लगातार ये उत्सर्जन होना, और इनके कारण ये स्थायी रूप में परिवर्तित होना चाह रहे हैं। तो एक रूप से दूसरे रूप में तत्वों का परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, तत्वनांतरण, ठीक है। समझे, फिर से समझिए, एक तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, तत्वनांतरण। जैसे इसके बारे में सॉडी फिजॉन ने बताया, और सॉडी फिजॉन ने 3 नियम दिए हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यह कहता है कि यदि कोई तत्व अल्फा किरणों का उत्सर्जन कर रहा है, अल्फा किरणों का उत्सर्जन करता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी तथा उसके परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। यदि कोई, आपको याद रखना है कि यदि कोई अल्फा किरणें, कोई भी तत्व जो है अपने से अल्फा किरणों का उत्सर्जन कर रहा है, देखिए किरणों का उत्सर्जन कौन करेंगे, 82 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले, ठीक है ना, क्योंकि सभी कैसे हैं, अस्थाई हैं, वो सभी कैसे हैं, अस्थाई हैं। तो अगर कोई भी अस्थाई कण जो है अल्फा किरणों का उत्सर्जन कर रहा है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाती है, और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी। तो समझते हैं कैसे, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। जैसे आपका यूरेनियम ले लेते हैं, ठीक है, यूरेनियम लेंगे तो यूरेनियम का, चलो परमाणु क्रमांक कितना होता है ये बताओ, परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 238। इसके कई सारे समस्थानिक भी है ना, तो समस्थानिक को नहीं लेना, हमको इसको लेना है अभी। इसके बाद ये अल्फा कण का मान लीजिए उत्सर्जन कर रहा है, तो आप बताओ कि यहाँ पे आप क्या बनाओगे, अपने से कुछ मत बना देना, सोच समझ के बनाना। अभी हमने बोला कि परमाणु क्रमांक में किसकी कितने की कमी होगी, इसका 92 है तो 2 की कमी कर दीजिए तो 90 हो जाएगा, और 90 किसका परमाणु क्रमांक होता है, थोरियम का, किसका होता है, थोरियम का, और थोरियम यहाँ पे 238 है तो 4 की कमी कर दीजिए, मतलब थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 204 की कमी करना है ना, तो कितना हो जाएगा, 234। तो हमने क्या सीखा कि यदि कोई भी अस्थाई जो कण होता है, तत्व होता है, यदि वह अल्फा किरणों का उत्सर्जन कर रहा है, ये नियम है और ये सत्य है ना, उन्होंने
उन्होंने ये किया है, खोज करके बताया है और ये प्रमाणित किया गया है, इसलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना। इसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते कि ऐसा ही क्यों है, दो की कमी ही क्यों होती है, चार की कमी क्यों नहीं होती, छह की क्यों नहीं कर देती आप, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये नियम है ना। तो अल्फा किरणों का उत्सर्जन करने पर किसी भी तत्व में कितने की कमी होती है, दो की कमी, और परमाणु भार में चार की कमी। तो हमने देखा कि अगर हम यूरेनियम को लेते हैं तो यूरेनियम अगर अल्फा किरण का उत्सर्जन कर रहा है तो उसके परमाणु क्रमांक में दो की कमी, और 90 बन गया तो 90 हमारा थोरियम का परमाणु क्रमांक है और इसके भार में चार की कमी, मतलब थोरियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 234। आ गया समझ में। अब बीटा की बात करते हैं। यदि कोई अस्थायी कण बीटा किरणों का उत्सर्जन कर रहा है तो बीटा किरणों का उत्सर्जन करने पर परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि क्या होती है, एक की वृद्धि, और जो हमारा परमाणु भार होता है वो अपरिवर्तित रहता है। परमाणु भार क्या रहता है, मतलब भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल किसमें परिवर्तन होगा, क्रमांक में, और कितने की वृद्धि होगी, एक की वृद्धि। तो चलिए हम थोरियम लेते हैं। तो थोरियम अगर ले लें और थोरियम समझ लें कि ये कर रहा है बीटा किरणों का उत्सर्जन, बीटा कण का उत्सर्जन, तो थोरियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है, 90, और परमाणु भार कितना होता है, 234। तो एक की वृद्धि कर दीजिए, एक की वृद्धि 91 किसका होता है, परमाणु क्रमांक किसका होता है सौरभ, किसका होता है, प्लैटिनियम, क्या बोल रहे, प्लैटिनियम का थोड़ा होता है, ये क्या है, पीए किसको बोलते हैं, पीए पर्सनल असिस्टेंट नहीं बोल देना, ठीक है, प्लैटिनम नहीं बोलते, पीटी होता है प्लैटिनम, पहले नियम, ठीक है, याद रखेंगे 91 होता है और परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 234। तो हमने क्या देखा कि जब कोई बीटा किरणों का उत्सर्जन करते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि। आपको याद क्या करना है ये बता दें, एग्जाम्पल नहीं याद करना, छोड़ दो एग्जाम्पल, नहीं याद होता छोड़ दो, क्योंकि आता भी नहीं है, मैं नहीं याद कराऊंगी, ठीक है। याद क्या करना है, याद ये करना है, पेपर में यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बताइए कोई अस्थायी जो कण है, तत्व है, यदि वह अल्फा किरणों का उत्सर्जन कर रहा होगा तो बताइए परिवर्तन होगा, परमाणु क्रमांक में दो की कमी, परमाणु क्रमांक में चार की कमी, परमाणु भार में दो की वृद्धि, परमाणु भार में, ऐसे करके ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो आपको याद करके जाना है कि अल्फा किरणों का अगर उत्सर्जन होता है किसी अस्थायी कण से तो परमाणु क्रमांक में दो की कमी, परमाणु भार में चार की कमी, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं इसका। फिर बीटा किरणों का उत्सर्जन अगर कोई कण करता है तो उसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि, लेकिन परमाणु भार क्या रहता है, अपरिवर्तित, सेम रहता है। अब अगर गामा किरणों का उत्सर्जन करे कोई, तो गामा में कुछ नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो डायरेक्टली सीधा हमारा जो तत्व होता है वो लेड में परिवर्तित हो जाता है। लेड मतलब पीबी सीसा, है ना, पीबी से ही प्रदर्शित करते हैं लेड को। तो याद रखेंगे कि जितने भी हमारे अस्थायी कण होते हैं वो स्थायी किधर जाकर होते हैं, सीधे लेड में परिवर्तित होकर, ठीक है। जितने भी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वो अपना स्थायी रूप कब प्राप्त करते हैं, लेड में पहुंचकर। लेड का परमाणु क्रमांक आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, इतना तो याद होना चाहिए ना, कल साहब कोई आवर सारणी याद करके आना, ये नहीं याद करना है कि पूरी आवर सारणी को आपको याद करके आना है, परमाणु क्रमांक याद करके आना सबका, ठीक है। चलो अब हम याद कराएंगे कैसे याद करना है, आपको ट्रिक कोई आती हो तो आप ट्रिक से याद कर लेना, हमको कोई ट्रिक नहीं आती, हमको ऐसे ही याद है। हाँ, एलिना करे रब से फरियाद, जिसको ट्रिक आती है वो ट्रिक बता के यहाँ पे याद करवा सकते हैं, है ना, और नहीं तो फिर हम तो सिखाएंगे ही आपको। तो याद रखिएगा कि जितने भी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वो किस में परिवर्तित होकर स्थायी होते हैं, सीसे में परिवर्तित होकर, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए इसके बारे में, तत्वनांतरण के बारे में, ट्रांसम्यूटेशन, तत्वांतर, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, तत्वांतरण, तो क्या वही लिख लो। अच्छा
तत्वों का रूपांतरण। अरे हमको नहीं पता, लिखो तत्वों का रूपांतरण। लिखे किसी तत्व का, किसी तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाना। लिखे किसी तत्व का दूसरे तत्व में, एलिमेंट्स कहते हैं तत्व को, किसी तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाएगा? तत्वांतरण कहलाता है। अरे इंग्लिश ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। लिखो किसी तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाना ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। इसके बारे में सर्वप्रथम सॉडी फेजॉन ने बताया था। सॉडी फेजॉन, हाँ सॉडी, साड़ी नहीं लिख लेना, सॉडी इसके ऊपर इसकी मात्रा बना लेना, ठीक है? हाँ पता चले हम लगाए नहीं है तो आप लोग पढ़ो, मैडम साड़ी लिखी है, साड़ी पढ़ेंगे। हाँ सॉडी फेजॉन ने बताया था। आगे लिखेंगे, इन्होंने यह बताया कि अस्थाई कण, देखिए इन्होंने यह बताया कि अस्थाई कण स्थाई होने के लिए, इन्होंने यह बताया कि अस्थाई कण स्थाई होने के लिए बैकुरल किरणों का उत्सर्जन करते हैं। बैकुरल किरणों का उत्सर्जन करते हैं। क्या पढ़ेंगे? बैकुरल ही पढ़ेंगे ना? अरे बैकुरल ही तो बोल रही हूँ, लर थोड़ी ना है, रल है, है ना? बैकुरल किरणों का उत्सर्जन करते हैं। आगे लिखेंगे सॉडी फेजॉन ला, सॉडी फेजॉन नियम, उत्सर्जन करते हैं, किरणों का उत्सर्जन करते हैं। अब लिखिए सॉडी फेजॉन नियम, पहला लिखे जब किसी अस्थाई पदार्थ से, लिखे पहला नियम, जब किसी अस्थाई पदार्थ से, जब किसी अस्थाई पदार्थ से अल्फा किरणें उत्सर्जित होती हैं, जब किसी अस्थाई पदार्थ से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं या किरणें उत्सर्जित होती हैं, तब उसके परमाणु क्रमांक, ऐसा लिखिए, तब उसके परमाणु क्रमांक में, अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तब उसके परमाणु क्रमांक में दो की कमी, परमाणु क्रमांक में दो की कमी, परमाणु क्रमांक में दो की कमी तथा परमाणु भार में चार की कमी हो जाती है। दो की कमी तथा परमाणु भार में चार की कमी हो जाती है। परमाणु क्रमांक में दो की कमी तथा परमाणु भार में चार की कमी, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, यूरेनियम वाला एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आप लिखिए दूसरा नियम, दूसरा नियम लिखिए, जब किसी अस्थाई पदार्थ से, दूसरा नियम लिखिए, जब किसी अस्थाई पदार्थ से, जब किसी अस्थाई पदार्थ से, अस्थाई पदार्थ से बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, बीटा कणों का उत्सर्जन होता है या बीटा कण का उत्सर्जन होता है, तब उसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि तथा परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि तथा परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है,
परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि तथा परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं रहता। चलिए इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, थोरियम वाला एग्जाम्पल लिखिए। मेन बात यह है कि आपको नियम याद रखना है, बस नियम के अलावा और कुछ नहीं। एग्जाम्पल आपको याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके सामने कुछ लिखा है और अगर आपको नियम याद है तो आप बना लेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब ये जरूर है कि आपको आवर्त सारणी में जितने भी दिए हुए हैं, है ना, कितने तत्व है आवर्त सारणी में, 118 के 119, अभी 118 है, लेकिन कुछ तत्वों की खोज हो चुकी है ना। तो आप मतलब जो नई आवर्त सारणी आएगी तो उसमें सारे नए भी आ जाएंगे, अभी तक तो वही चल रही है। अब लिखे तीसरा नियम, जब किसी अस्थायी पदार्थ से, लेकिन जब किसी अस्थायी पदार्थ से गामा कण उत्सर्जित होते हैं, जब किसी अस्थायी पदार्थ से गामा कण का उत्सर्जन होता है, तब उसका परमाणु क्रमांक, गामा कण का उत्सर्जन होता है तब उसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है, मतलब किसी में भी परिवर्तन नहीं होता। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है। आगे लिखेंगे, अंत में सभी रेडियोधर्मी पदार्थ, अंत में सभी रेडियोधर्मी पदार्थ लेड में परिवर्तित होकर, अंत में सभी रेडियोधर्मी पदार्थ लेड मतलब सीसा, पीवी भी लिख सकते हैं वहां पे, तो लेड में परिवर्तित होकर स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, लेड में परिवर्तित होकर स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, स्टेबिलिटी, स्थायित्व को कहते हैं स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं, मतलब स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अरे एक्सक्रीशन करना भाई, किरणों अपने से कुछ चीज बाहर निकालना, ये चीज है। चलिए अब हेडिंग करिए रेडियोधर्मी तत्व, या रेडियो एक्टिविटी। आप हेडिंग करिए, ये हो गया आपका तत्वांतरण और आपके हो गए परमाणु की सारी चीजें, है ना। आप हेडिंग करेंगे रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। अब इसमें ये समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कल से समझ रहे हैं इस चीज के बारे में, रेडियोधर्मिता के बारे में कल से समझ रहे हैं सब कोई, कि कोई भी जो हमारी जितने भी 82 परमाणु क्रमांक 82 से अधिक वाले जितने भी तत्व होते हैं वो अपने से तीन किरणों का उत्सर्जन करते हैं, अल्फा बीटा और गामा, और अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करने वाले जो हमारे जितने भी तत्व हैं वो सभी तत्व जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेडियो धर्मी तत्व, और उनका ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, रेडियो धर्मिता। फिर से समझिए, परमाणु क्रमांक 82 से अधिक वाले जितने भी हमारे तत्व हैं वो सभी अस्थायी होते हैं, अस्थायी होने के कारण अपने से वह अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, और इन किरणों का उत्सर्जन करने वाले तत्व कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, तथा इनका ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, रेडियो धर्मिता। आ गया समझ में, और रेडियो धर्मिता के बारे में किसने बताया, हेनरी बैकुरल। चल लिखे हेडिंग करिए रेडियोधर्मिता, लिखेंगे जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होते हैं, वह तत्व अस्थायी होते हैं
82 से अधिक होते हैं वह तत्व अस्थाई होते हैं तथा स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा गामा स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं इस प्रकार के तत्वों को रेडियोधर्मी तत्व तथा इस क्रिया को रेडियोधर्मिता कहते हैं। रेडियोधर्मिता। लिखेंगे रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। हेनरी बैकुरल ने की थी। अच्छा, किसी भी तत्व का रेडियोधर्मिता मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जीएम का फुल फॉर्म बताओ। हाँ बताओगे, आदर्श, नहीं तो होमवर्क दे देंगे, करना फिर नहीं करना। बताओ जीएम काउंटर का पूरा नाम, काउंटर तो है, ये काउंटर है, जीएम का फुल फॉर्म बताना है आपको। अब पढ़ना, ये होमवर्क हो जाएगा आज लग रहा है। बताओ, हम एक का बता देते हैं, एम का ढूंढ के लाना, ठीक है? गाइगर। क्या? हाँ, कॉपी पे देख रहे हो, देख लो अच्छे से, लिखे स्टार पॉइंट बना के लिखिए। क्या लिखे हो? गाइगर नहीं लिखे हो? है तो गाइगर ही, क्या लिखे हो? कुछ और लिख लिए क्या? चलो लिखो स्टार पॉइंट बना के। रेडियोधर्मिता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। रेडियोधर्मिता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। इसका एसआई मात्रा बैकुरल, रेडियोएक्टिविटी का एसआई मात्रा बैकुरल, इसका एसआई मात्रक बैकुरल तथा सीजीएस मात्रक क्यूरी और रदरफोर्ड होता है। वैज्ञानिकों के नाम पर इसके मात्रक दिए गए हैं, तो याद रखिएगा एसआई मात्रक इसका क्या होता है? बैकुरल। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? क्यूरी और रदरफोर्ड। अब चलो कॉपी बंद करो, आप दोनों बंद करो जल्दी इस कॉपी। हाँ, अब ये बताओ सारा कि एक बैकुरल बराबर जनरल मैनेजर है, जीएम पर डालोगे तो जनरल मैनेजर ही ना बताएगा। हमने कब पहला नाम बता दिया, जी का गाइगर, एम का ढूंढ के लाना आप लोग, इतना तो कर सकते हैं ना। मैंने पहला नाम बता दिया है, जी का गाइगर नाम है, जनरल मैनेजर नहीं लिख के आ जाना। एक रदरफोर्ड बराबर लिख लीजिए, एक रदरफोर्ड बराबर 10^6 क्या बैकुरल, लिखे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। एक रदरफोर्ड बराबर कितना होता है? 10^6 बैकुरल होता है। और एक क्यूरी बराबर कितने बैकुरल? 3.62 × 10^10 क्या बैकुरल, लिख लीजिएगा। एक क्यूरी बराबर होता है 3.62 × 10^10 बैकुरल
10 वैकुंठ। ठीक है, तो याद रखिएगा रेडियो धर्मिता क्या है, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक है, क्योंकि उनके न्यूट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन से अधिक होते हैं, इसलिए अस्थायी हो जाते हैं ये कण, और स्थायी को प्राप्त करने के लिए ये किरणों का उत्सर्जन करते हैं अल्फा बीटा गामा का। इन तत्वों को हम रेडियो धर्मी तत्व कहते हैं, और इसके इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिता। इसकी खोज की थी हेनरी बेकुलर ने, और इसका जो माप किया जाता है रेडियो एक्टिविटी का जीएम काउंटर से करते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक है रेडियो धर्मिता का बेकुलर है, और सीजीएस मात्रक क्यूरी और रदरफोर्ड है। एक रदरफोर्ड बराबर 10^6 बेकुलर, और एक क्यूरी बराबर 3.62×10^10 बेकुलर। ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है, अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।